हेलो फ्रेंड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का 4 बज रहा है और अभी 4 बजे ही उठ के हम लोग रेडी हो रहे हैं। मतलब हम लोग को कहीं जाना है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे पल्लवी का तबीयत भी ख़राब हो गया, देख रहे होंगे, खांस रही है। और रात को भी ना यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम सा कर दिया था तो इसको ट्रैक सूट भी मैं पहना दी। और अभी जो हम लोग जाएंगे रास्ते में, वहाँ भी खुला एरिया है, स्टेशन जाएंगे तो स्टेशन जाने में हम लोग का खुला एरिया है तो ठंडा भी लगेगा। और सुबह सुबह का टाइम थोड़ा ठंडा भी लगता है। अभी तो गर्मी रात में बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अभी बाइक पे जाएंगे तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। इसके लिए इसको ट्रैक सूट भी डाल दी हूँ और इसको नींद भी आ रहा है। इतना सुबह सुबह बच्चे को उठा देने के बाद तो नींद ही आना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान को ना सुबह ही नींद आता है। 4 बजे सब 5 बजे उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, 3 बजे इस तरह से। तो अभी सुबह उठ के बस झाड़ू लगा ली हूँ, कुछ काम की नहीं हूँ, पोछा वगैरह तो नहीं की हूँ, झाड़ू कर ली हूँ और हम लोग रेडी सब हो गए हैं। बस लास्ट में प्रियांशी को रेडी करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बदमाशी करती है। और बैग पैक कर ली हूँ, थोड़ा बहुत सामान ले ली हूँ, प्रियांशी का कपड़े है क्योंकि ये अभी कितने बार गंदे करेगी कितने बार नहीं पता नहीं। इसका काजल पाउडर मैं डाल ले रही हूँ, जहाँ भी जाऊँगी इसका काजल पाउडर, इसका क्रीम पाउडर ले लेती हूँ। फिर जा रही हूँ किसी के घर में तो फिर वहाँ पे छोटे बच्चे नहीं हैं, फिर मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, किसी के घर पे नहीं जा रहे हैं, आपको मैं वीडियो में बता दूँगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। तो अभी हम लोग का सब हो गया है, थोड़ा बहुत चाय भी पी लिए हैं हम लोग, और मतलब ब्रश किए तो थोड़ा थोड़ा चाय पी लिए। इतना जल्दी तो खाना जाएगा ही नहीं पेट में। अभी 5 बज गया और अभी हम लोग का 6:30 बजे ट्रेन है, तो अभी हम लोग निकलेंगे, बस बर्तन साफ़ करके ही निकलेंगे। तो अभी जाने में भी 40 मिनट लग जाएगा। थोड़ा बहुत स्टेशन में होता है ना कि 5-10 मिनट 15 मिनट पहले ही पहुंच जाए, वही अच्छा रहता है, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा सा ही बर्तन था, चाय बनाई थी, वही सब मैं धो ली हूँ। और पल्लवी को चाय भी पीने बोली तो पीने, उसको फीवर भी है और उसको ना बहुत ही जल्दी मतलब तबीयत ख़राब होता है बहुत ही जल्दी। उसका ना निमोनिया का शिकायत है थोड़ा ना, मतलब गर्मी थोड़ा सा भी पड़ता है तबीयत ख़राब हो जाता है, ठंडी पड़ता है तो भी तबीयत ख़राब, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब उसके लेके मैं बहुत ही प्रॉब्लम में रहती हूँ। और अभी बस अब हम लोग ताला वगैरह लगाएंगे और हम लोग निकलेंगे, उससे पहले प्रियांशी निकलेगी। उसको कहीं भी जाने का जल्दी, इतना जल्दी रहता है ना फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती। और मैं साड़ी ही पहन ली हूँ क्योंकि मुझे ना ट्रेन का सफ़र में ना साड़ी ही बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे सूट थोड़ा कम अच्छा लगता है। और अभी देखिए 5 बज रहा है, अभी अंधेरा है, अभी सुबह भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं जगे, बस हम लोग। और हाय भी कर रही थी, बहुत ही बदमाशी करती, जैसे मैं कैमरा स्टार्ट करती मैं इसको बोलती भी नहीं हाय करूँ, लेकिन इसको पता रहता है कैमरा चालू हो गया, हाय करना। बस अब हम लोग निकल रहे हैं और स्टेशन जाके मिलेंगे क्योंकि बीच में तो पूरा अंधेरा, कहीं पर वीडियो नहीं बन सकता। अब बस हम लोग आ गए हैं स्टेशन और यहाँ पे प्रियांशी का फुल फोकस रहता है कैमरा में, आप कभी नोटिस भी करिएगा बहुत ही ज़्यादा। और अभी ना इसको थोड़ी थोड़ी सा नींद भी आ रही है पूरा, मतलब इतना सुबह सुबह उठ गई तो नींद तो आएगा ही, और सबको थोड़ा थोड़ा सा नींद भी आ रहा है सुबह का टाइम। और अभी यहाँ पे बाइक रख ले रहे हैं क्योंकि फिर जा रहे हैं, एक शाम तक तो आ जाएंगे, लेकिन किन्हीं का जिम्मेदारी में तो देना ही पड़ेगा ना, बाइक ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते स्टेशन के बाहर पे। यहाँ पे दे दिए हैं और देखिए कितना मस्ती कर रही कैमरा के सामने ना, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती है फ्रेंड। और यहाँ पे बस हम लोग आ गए हैं गांधीधाम का स्टेशन, गांधीधाम में ही रहते लेकिन थोड़ा दूर रहते हैं ना, तो यहाँ पर आ गए। और बस अभी ट्रेन आया नहीं है, 10-15 मिनट पहले ही आ गए हम लोग, 6:10 में पहुंच गए थे, 6:30 बजे ट्रेन था। यहाँ पे ठंडी लग रही थी पल्लवी को, तो पल्लवी को चाय खरीदवा दी है और अभी बस चाय पिलवा रहे हैं। उसके बाद ब्रेड एक खरीदनी है कि खा लेगी थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे प्रियांशी खा नहीं रही थी, चाय चाहिए था इसको तो चाय पी रही थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं भूज जा रहे हैं, मैं आप लोग को बता ही रही हूँ भूज जा रहे हैं, वो भी कोई खुशी से नहीं जा रहे, थोड़ा इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तबीयत ख़राब है। और भुज में मतलब हम लोग पहले वहीं पे रहते थे, आप लोग जो मेरे वीडियो पहले से देखते होंगे उनको पता होगा। और यहाँ पे अभी ट्रेन आ गया है, बस अभी ट्रेन यहाँ से लास्ट जाएगा भुज, भुज में ही जाके ट्रेन रुक जाता है, इसके वजह से ना पूरा खाली होते होते आता है। अभी पूरा देख रहे होंगे ट्रेन खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, बहुत ही खाली रहता है। तो यहाँ पर अब पल्लवी प्रियांशी बैठेगी और यहाँ पे पल्लवी प्रियांशी इतना ज़्यादा मस्ती करते हुए जा रही थी, इतना ज़्यादा मस्ती मतलब बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। इसको घर से निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा मस्ती मतलब करने का इच्छा हो जाता है। तो
बस इसी तरह हम लोग का सफ़र चल रहा है। हम लोग का सफ़र कटता भी मस्ती मस्ती में, तो अब हम लोग फाइनली भुज पहुंच गए हैं। 1 से 1.5 घंटा का रास्ता था, अभी पहुंच गए हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया और हम लोग का बैग ना पूरा भरा हुआ था। मैं अपना ना सोल रख पा रही थी ना इनका ट्रैक सूट में। हम लोग सोचे जाके रूम पे ही रख दूँगी अब ऐसे करके, क्योंकि अभी रखने का बैग में जगह नहीं था हाथ में, अब कितना लेके चलूँगी। तभी 8 बजे तक हम लोग को ट्रेन पहुँचा दिया था, लेकिन काफ़ी धूप हो गया था और हम लोग वो लगाए थे सोल तो मतलब अजीब लग रहा था थोड़ा। तो अभी बस पहुंच गए फाइनली, जिनके रूम पे आना था वहाँ पे आ गए हैं। और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ अभी बातें बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।